हेलो फ्रेंड्स, आप जी का साडे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के असी डिस्कस करांगे जो नवी रिक्रूटमेंट निकली है सिविलियन स्पोर्ट्स स्टाफ इन पंजाब पुलिस है, तो ऑनलाइन फॉर्म किवें फिल करना है पूरा प्रोसैस मैं तुहानू एक्सप्लेन करूँगा। विद करैक्शन पैनल, कैटेगरी करैक्शन पैनल, फीस पे सोल्यूशनस, इस करके वीडियो पूरा देखना। चलो देखते हैं पूरा प्रोसैस। पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वैबसाइट पर जाके तुसी रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना पेज आऊगा। इतने तुसी लास्ट लिंक है जी सिविलियन स्पोर्ट्स स्टाफ का, इतने तुसी क्लिक कर देना। क्लिक करके नीचे जाओगे, लिंक मिलेगा वैबसाइट का, तुसी इतने क्लिक कर देना। क्लिक करने तो बाद नैक्सट तुहाडा पेज खुलूगा, तुसी नीचे स्क्रोल डाउन करना है। लास्ट विच लिंक बनया होया, तुसी इतने प्लस से क्लिक कर देना एक्सपेंड करने वास्ते। डाउन तो जाना जी रजिस्टर करने वास्ते, टू रजिस्टर से तुसी क्लिक करके ओके कर देना। ओके करने तो बाद नैक्सट पेज तुसी मूव करोगे। इतने तुसी अपनियां डिटेल्स वगैरह फिल करनी, आपां मेल आई डी भी इतने फिल कर देने अपनी। सो यह है जी इन्हां दी मेन मेन डिटेल्स। ये गलती ना करियो जी, इन्हां दी करैक्शनस वगैरह नहीं होंदी, मैं तुहानूं पहले ही दसदा। फस्ट नेम ठीक है जी आपां दित्ता, लास्ट नेम अते मिडल नेम देता। उस तो बाद तुसीं नाम वगैरह चेंज किया नहीं किया उस अकॉर्डिंग दस देना है। इत्थे तुसीं अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। देखो मैं एक चीज़ तुहानूं बार बार कहांगा, इहदे विच गलती ना करियो, इन्हां दी करैक्शन वगैरह नहीं होंदी, तुहानूं दुबारा फीस पे करनी पैंदी है। बहुत ही माड़ा प्रोसैस है इन्हां दा। बाकी कोई गलती हो जाती है फीस पे ना करो, साडे नाल कॉन्टैक्ट कर लियो, उहदा सोल्यूशन तुहानू प्रोवाइड कर देवांगे। आ मोबाइल नंबर है, इस नंबर ते तुसी मेरे वट्सएप ते गलबात कर सकते हो। उस तो बाद तुसी ईमेल आई डी देनी है। ये जिहड़ियां डिटेल्स है तुसी बड़े ध्यान नाल फिल करनी, इन्हां विच गलती वगैरह नहीं करनी। अगर गलती हो गई फिर मैं तुहानू दस दिता कि इन्हां दी करैक्शन नहीं होंदी, इस करके बड़े ही ध्यान नाल तुसी फॉर्म वगैरह फिल करने है। सो इहदे विच आपां डिटेल फिल कर ली, एक बार फिल करके थोरोली तुसी चैक कर लैनी है। जिन्हां दा ओनली फर्स्ट नेम है अते लास्ट नेम नहीं है, उन्होंने अपना फर्स्ट नेम तो लास्ट नेम सेम रखना है। नीचे जाके अपना जनरेट ओटीपी ते क्लिक करांगे। जदों आपां इत्थे आ जी ईमेल एड्रेस फॉरमैट इज़ इनवैलिड, दिख लैने ईमेल च की प्रॉब्लम है। सो इत्थे साडा कुछ प्रॉब्लम आ गई है, चलो आपां फिर ठीक कर लैने। फोन नंबर चलो जी आपां इत्थे चेंज करन लगे हैं, जिहड़ा पहले नंबर लिखा सी उत्थे कॉन्टैक्ट कर लियो। ए नंबर ते जिहड़ा मैं हुण फिल कीता इत्थे कॉल नहीं लगदी। हुण ये जिहड़ा आपां नंबर फिल करता इत्थे तुहानूं एक ओटीपी जाऊगा, ये जिहड़ा कोड फिल करन तो बाद। ठीक है जी, ये जिहड़ा कोड है सेम जिद्दां लिखिया होया है इदां ही तुसीं लिखना है जी। इहदे विच गलती नहीं करनी, समॉल तां समॉल है, कैपीटल है तां कैपीटल है। अगर नहीं ओटीपी जांदा 5 मिनट वेट करो, ओटीपी आ जांदा इत्थों, जदों तुसीं सेंड ते सबमिट ते क्लिक कर दिओ, ओके कर देना है। हुण जिहड़ा तुसीं फोन नंबर फिल कीता सीगा उत्ते तुहानूं ओटीपी रिसीव होगा, नाल दे नाल हो जांदा वेरीफिकेशन वास्ते। इतने सानू ओटीपी रिसीव हो गया, आपां ओटीपी फिल करता अते उस तो बाद वैलीडेट ओटीपी ते क्लिक करता। देखो साडा ओटीपी सक्सैसफुली वेरीफाइड हो गया, ओके करता। हुण तुसीं फॉर्म नू लॉक करना है, जो इत्थे कैप्चा लिखा होया सेम इदे ही कैप्चे नू ओके कर देना तुसीं फिल करके, टर्म्स एंड कंडीशन नू डैक्लरेशन नू एक्सैप्ट करके सबमिट कर देना है अते ओके कर देना है। ये साडा जिहड़ा फॉर्म है फिल हो गया। साडा नू एक आई डी पासवर्ड तुहाडे रजिस्टर नंबर ते आजूगा, ईमेल आई डी ते भी आजूगा। आपां ईमेल आई डी टैली कर लैने एक बार। आह जी मेल आई डी जी अपना फिल की सी, ए हल्द कोई भी सूँ रिसीव नहीं होया। एक बार मेल में रिफ्रैश कर लेना तो, आई थिंक दूसरी मेल से, चलो दूसरी मेल भी आप देख लें। मेल गलत ओपन की सी, मैं इतने मेल आई डी दूसरी ओपन कर लें। आप कई बार तुम मैसेज नहीं आता, इस करके मेल आई डी चैक करनी है। उस तो बाद फर्दर जरा फॉर्म फिल करने के लिंक अवेलेबल है। आ देखो जी पंजाब पुलिस इतने आ गया दसवन, इतने ओ टी पी आया, साडा लॉगिन आई डी डिटेल्स भी साड़ी आ जाऊगी। ठीक है जी, थोड़ा टाइम लगता है इस करके थोड़ा वेट कर लियो। चलो अगे देखते हैं, तुसी ऑलरेडी लॉगिन करोगे, सब इंस्पैक्टर की डेट ओवर हो चुके थे, पेपर चले ने, इन्हां पोस्ट वास्ते करना है, कॉन्स्टेबल वास्ते करना है। उस तो बाद तुसी ऑल ते जाके आ देखो सिविलियन स्टाफ का एक नवा लिंक इनेबल किया इन्होंने, इदे ही हेड कॉन्स्टेबल दी पोस्टां फिल करनियां उहदे वास्ते, आपां सिविलियन स्टाफ वास्ते अप्लाई करना। क्लिक कर देना, देखो सिविलियन स्टाफ उपर आ गया, स्पोर्ट स्टाफ तुसी नवीनेशन करनी है। क्लिक फॉर न्यू एप्लीकेशन, इतने तुसी क्लिक कर देना है। क्लिक करने तो बाद नैक्सट पेज खुलूगा, ये जिहड़ियां जिहड़ियां डिटेल्स वगैरह मंगते हो तुसी फिल कर देनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपने अपलोड करने हैं, स्कैन वगैरह उन्होंने कर लेना। सब तो पहले तुसी इतने डिपार्टमेंट नेम चूज़ कर लेना, किहड़े वे तुहानू पोस्ट चाहिए है, मैं चूज़ कर लिया। तुहाडा नाम ठीक इत्थे आ गया, उस तो बाद तुहाडे माता जी का नाम इत्थे आऊगा। उस तो बाद समॉल कैपीटल का थोड़ा ध्यान रखियो, वैसे समॉल भी चलूगे कैपीटल भी चलूगे। फादर साहब ने नाम दिता, मार्टियल स्टेटस दिता जी, तुसी अपना इंडियन हो या अदर हो, उहदे अकॉर्डिंग पंजाब दे डोमिसाइल हो या नहीं हो। कैटेगरी तुसी अपनी फिल की, कैटेगरी अकॉर्डिंग तुहाडी फीस होगी। एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो उस अकॉर्डिंग तुसी फिल करना। नीचे जाके तुसी अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है,
डिस्ट्रिक्ट चूज करके अगर कोई विजिबल मार्क है बॉडी ते ठीक है, नहीं तो एनए लिख दो। आईडी प्रूफ तुसी केड़ा ऐड करना है वह इतने दे दो, आधार कार्ड आप ऐड करता सिंगल तुसी आईडी प्रूफ देना, दो देने की लोड़ नहीं है। नीचे जाके तुसी अपना एड्रैस चूज करना है, सब तो पहले तुसी अपनी इतने स्टेट चूज करनी है, उस तो बाद तुसी इतने डिस्ट्रिक्ट चूज करना अपना, उस तो बाद विलेज चूज करना जी। एड्रैस वगैरह च गलती ना करो, कई बार काफ़ी बच्चों की गलती हो जाती है। उस तो बाद अगर तुहाडा कोरसपोंडेंस अते परमानेंट एड्रैस सेम है वो तुसी फिल कर देना, फिल करके सारी डिटेल एक बार चैक कर लेना, तुसी चैक करके नीचे जाना है, नीचे जाके तुसी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, इतने साड़ी कैटेगरी मिसिंग रह गई है, आ है जी साड़ी यूआर कैटेगरी, इतने भी साड़ी जनरली आऊगी, फिर नीचे जाके तुसी इनू सबमिट कर देना है, ओके कर देना है। ओके करन तो बाद इतने फिर कोई गलती है दिख लैने की है, आ साड़ियां डिटेल्स डन है, आ भी डन है जी। देखो जिहड़ी भी चीज़ मिसिंग हुंदी है जो तुसी लास्ट विच सेव एंड नेक्स्ट करते हो, आ देखो इतने एरर आ रहा कि प्लीज़ सिलेक्ट एरिया तुसी पंजाब दे इंप्लॉई हो या नहीं हो, तुसी कंट्रोल एफ करके एरिया नूं भर दो, सारी एरिया वाले फील्ड्स आ जाऊंगे। इतने देखियो आ ठीक है जी, सब कुछ डन है, सब कुछ डन है, नीचे गए भी डन है, ये भी डन है, आ भी डन है साडा। आ देखो ये वाला पोर्शन इनू आपां नो करता, ठीक है जी, नीचे गए नीचे गए। इस करके बड़े ही ध्यान नाल फॉर्म नूं देखना है, जिथे स्टार लगा होया ये फील्ड्स नूं फिल करना जरूरी है, ठीक है जी, इनू तुसीं फिल कर लेना। मैं इनू एक बार फिल कर लेना, फिर इत्थे भी आ देखो ये चैकबॉक्स खाली सीगा, इनू तुसीं फिल कर लेना, बाकी डन है, सेव एंड नैक्सट। प्लीज़ आई डी प्रूफ, आई डी प्रूफ आप आधार कार्ड चूज किया से उत्थे तुहानूं दस्सिया सीगा नीचे, फिर जाने सेव नैक्सट। कंट्री, कंट्री भी सानू चूज करनी पैनी है, इस करके बड़े ही ध्यान चीज़ा फिल करनिया पैनिया। आ हो गया जी, उस तो बाद डन है जी, सेव नैक्सट, पहला साडा प्रोसैस डन हो गया। अगर तुहाडे फॉर्म के जो अभी डिटेल्स फिल करती है कोई भी कमी पेशी हुई उत्थे एरर मैसेज आ जाना, तुसीं उहनूं ठीक कर लैणा, तां मैं तुहाडे सामने तीन बार ठीक किया। उस तो बाद नैक्सट आए तुसीं इहदे विच, इहदे विच तुसीं अपनी डिटेल देनी है, सब तो पहले टेंथ की किहड़े बोर्ड चो पास किया, ठीक है, स्कूल का नाम, किहड़ा मोड सी, परसेंटेज सी, किन्ने तुहाडे मार्क्स आए, ठीक है जी, मैक्सिमम मार्क्स किन्ने सी, बाकी परसेंटेज ऑटोमैटिक हो जूगी, किहड़े साल तुसीं पास किया, इत्थों तुसीं ईयर चूज़ कर देना है। नैक्सट अगर प्लस टू तो बाद दसवीं पंजाबी हैगी, इस करके इतने तुसीं कंपलसरी सबजैक्ट कर देना है। अगर तुसीं कीती, अगर कीती हुई है तुसीं एडिशनल पंजाबी, तां भी यही चलूगा। 10+2 इत्थे भी तुसीं स्कूल का नाम दे देना है, सॉरी बोर्ड का, उस तो बाद स्कूल का नाम, किन्ने तुहाडे मार्क्स आए अते किन्नियां चो आए, उस दा परसेंटेज ऑटोमैटिक आ जाऊगी, ईयर तुहाडा जिहड़ा हैगा उहनूं तुसीं नैक्सट पा देना है, मतलब साउंड डिटेल। ग्रैजुएशन डिग्री तुहाडी कंपलसरी है, ग्रैजुएशन डिग्री की कीती है, इत्थे देखो आई टी सबजैक्ट चाहिए, कंप्यूटर साइंस की है, बैचलर आई टी है, इंस्टीट्यूट नेम डी ए वी इकोग्रह यूनिवर्सिटी तो, हाँ जी, किहड़े महीने च पास कीती सी, किहड़े साल च पास कीती सी, उह तुसीं इत्थे दस देना है, ठीक है जी। आपां इत्थों चूज़ कर लैंदे हां, 2000 किन्ने च कीता सी तुसीं, उत्थों उह पास कर देना जी, तुसीं फिल कर देना। उस तो बाद किहड़े महीने च पास कीता सी, डेट आ गई, मार्क्स ऑबटेन किन्ने कीते सी तुसीं, उह तुसीं इत्थे फिल कर देने, परसेंटेज ऑटोमैटिक आ जाऊगी। होर कोई अनदर डिग्री फिल करन दी लोड़ नहीं है, ठीक है, बाद विच जाओगे। नैक्सट इहनूं क्लिक करके कोई वर्क एक्सपीरियंस इतने मंगता पाया, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, क्रोनिकली ऑर्डर विच भरना, क्रोनिकली मतलब जो सब तो बाद विच कीता वो सब तो पहले। सो इतने डेजिग्नेशन, ठीक है जी, टीचर ला लो, बंदे टीचर विच टीचर काम किया होया स्कूल विच, कोऑर्डिनेशन स्कूल केड़ी डेट तो किन्नी डेट तक, ठीक है जी, केड़ी डेट तो किन्नी डेट तक बच्चे ने काम किया होया कैंडीडेट ने, वो तुसी फिल कर देना है, ठीक है जी। उस तो बाद होर ना भी डिटेल है तुसी ऐड कर दो, नहीं करनी डिलीट, पुरानी रो करनी है पुरानी कर दो, ऐड नहीं रो कर लिया आपां, सीरियल नंबर इतने ऐड हो गया, ठीक है जी। नैक्सट जाने आपां, इतने टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर देखो, ये एक्सपीरियंस भी मंगिया होया, बाकी इहनूं तुसी पढ़ लेना, कोई एफ आई आर तो नहीं चली हुई ढड़ते हुई सी, कोई मिसबिहेव या इदा का कुछ होया सी, कोर्ट केस वगैरह उहदे रिगार्डिंग तुसी कर देना। उस तो बाद प्रेफरेंस कित्थे तुसी एग्जाम देना है, उहदी प्रेफरेंस तुसी इत्थे दे देनी है, जिहड़ा तुहानूं एरिया लागे छागे पैंदा उह तुसी देना। उस तो बाद ये सारा कुछ दे के तुसी सेव एंड नैक्सट ते क्लिक करना। इत्थे आया प्लीज़ वर्क एक्सपीरियंस, प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट। वर्क एक्सपीरियंस भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, उपर जाने वर्क एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, सीरियल नंबर 1 दे विच
टू दे विच, टू वाले नूं आपां डिलीट कर दिंदे हां। ठीक है, आपां टू ऐड कीता सी लेकिन खाली छड्डे सी, आई थिंक इस करके आया सी ओह। प्लीज़ फिल द वर्क एक्सपीरियंस फॉर द सिलेक्टेड पोस्ट। वर्क एक्सपीरियंस एक बार ध्यान आपां देख लैंदे हां, आह जी वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है जी, टीचर सी, स्कूल सी, आई थिंक डेट मैं इतने ज़्यादा नहीं दी, इस करके आ रहा है तो इनू मैं पिछे करके एक साल तो इनू कर दें। ठीक है जी, तुम इनू बड़े ही ध्यान ना चूज़ करना है। आ साडा हो गया जी दिस वन, उस तो बाद सेव नैक्स करते हैं। वर्क एक्सपीरियंस ध्यान ना पढ़ना जी, इनू प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट। एक बार ध्यान ना देख लें, सीरियल नंबर आ गया, पोस्ट नेम आ गया, डेजिग्नेशन टीचर सी, स्कूल वे सी। ठीक है, किन्नी डेट तो किन्नी वास्ते सी, एक बार आप एक साल का करके देखते हैं। कई बार मैं नोटिफिकेशन रीड नहीं किया, एक बार प्रॉपरली नोटिफिकेशन रीड कर लेना। आ साडा 2 साल का हो गया। ठीक है जी, उस तो बाद नीचे जाना, तुम सब कुछ डन है, डन है, फिर एक बार सेव नेक्स्ट करना है। इतने की प्रॉब्लम है, एक बार वीडियो में पॉज करके। सो ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता जी, साडा एक्सपीरियंस ऐड नहीं हो रहा इतने, तुम देख भी सकते हो। प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड वर्क एक्सपीरियंस फॉर द सिलेक्टेड फॉर जो आप फिल करते हैं, बिकॉज आज ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है। जल्दी ही जो ये प्रोसैस ठीक होंगे मैं तुम्हें विनक्स वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो उस तो बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चलूगा, फोटो हो गया, साइन हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10th हो गया, 12th हो गया, मतलब जी तुम्हें डिटेल फिल की हुई है इनकलूडिंग एक्सपीरियंस, ये डिटेल ढी सारी ऐड होनी है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुम्हें स्कैन करके अपलोड कर देने हैं, वह एक पर्टिकुलर साइज है, वो साइज़ अकॉर्डिंग उन्होंने अपलोड करना है। तो बाकी इसे पूरा प्रोसैस इसमें करके देखो, काफ़ी अच्छिया पोस्ट हैं। और कोई भी किसी भी तरह की क्यूरी या क्वेश्चन होता है और तुम कमेंट सैक्शन में कमेंट करके सानू पूछ सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैलेबल टाइम।